इतनी सारी बकवास करी हमने आपस में, वी शेयर अ फ्यू ड्रिंक्स, और हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते। लेट मी स्टार्ट। हाय, माय नेम इज सिद्धार्थ खुराना। तो तुम यहां तक आ गए मेरा पीछा करते हुए। My God, isn't she beautiful? इसका गुस्सा भी कितना प्यारा लगता है। यार, तुम इस इंसान से इतने दिनों से बात कर रहे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो ये है वो? उससे क्या पूछ रहे? ये है यश, मेरा दोस्त, जिसके साथ मैं काम करती हूँ और जिसके साथ मैं एक पीसफुल लंच की उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। पर तुम्हें तो मेरी कोई खुशी बर्दाश्त हो ही नहीं सकती ना। इजी मिसेस खुराना, क्या हो गया, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? अब मैं तो नहीं जानता था कि आप मेरे दोस्त यश की दोस्त हैं। I didn't know. मैं यश को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उससे बैंकॉक में मिला था, काफी बातें करी हमने, इसकी कहानी के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। I know a lot about him. कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद आप भी नहीं जानते। सही कह रहा हूँ यश? रोशनी, आई थिंक तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। ओह गॉड, यश और रोशनी दोस्त हैं, और रोशनी वो लड़की है जिससे यश प्यार करता है। यश, यश, आई एम सो सॉरी दोस्त, I'm so sorry. लेकिन प्यार की इस राह में तुझे बहुत दर्द मिलने वाला है दोस्त, क्योंकि पति मैं जरा सिद्धि टाइप का हूं। यश, प्लीज मेरी बात सुनो। यश सुनो प्लीज, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी हमारा लंच स्पॉइल हो गया, पर सिद्धार्थ पागल है, मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला। तुम, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। प्लीज सुनो तुम। यश, क्या बात है, बहुत चहक रही है, कहीं बाहर से आ रही है क्या? हाँ माँ, तो जरूरी काम था, फाइनली कुछ उम्मीद नजर आ रही है। चलो अच्छा है, मैं देखती हूँ। मायरा बेटा, तू आ गई, तेरी डील तो पक्की हो गई ना? कैसे होगी डील, इनकी बेटी ने जो मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। क्यों, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्यों, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? क्यों मुझे रोशनी के हाथों का मोहरा बना दिया आपने? क्यों मामी, क्यों? हुआ क्या बेटा? अरे बोलोगी, हुआ क्या है? मैं नहीं जानती थी कि आज हमारी मीटिंग खुराना के साथ थी, वहां राजवीर भी था। वो मेरे साथ चीख हरकतें करने लगा, मुझे छूने लगा, और फिर ऐसे दिखाया जैसे मैं उसे फांस रही हूं। सिद्ध की मॉम और बहन ने मेरी बहुत इंसल्ट की, मेरी बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, अब मैं क्या करूंगी मामी? सुखी बेटा, मायरा मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती ऐसा, मैं अपनी भांजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है बेटा,
और नौकरी तो तुझे बहुत आसानी से मिल जाएगी, तू टेंशन मत ले। पता नहीं खुराना कब हमारा पीछा छोड़ रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ते हमें सही करने का। तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। ये जो दर्द का सैलाब आपके शराब के प्याले से छलक रहा है, इसकी वजह मोहब्बत है। अब दर्द है तो मरहम का एहसास होता है, चोट नहीं होगी तो मरहम का एहसास कैसे होगा? और अगर अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का एहसास कैसे होगा? Let's have a drink. Come on. जिंदगी भी कितनी अजीब होती है यश। एक बार तुम मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहे थे, मैं नहीं पी रहा था, और आज मैं तुम्हें ऑफर कर रहा हूं, तुम पीना नहीं चाहते। Come on यार, हमारी दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। Let's have a drink together. मैं ये कह रहा था कि जिंदगी बहुत अजीब होती है। हम एक बार में मिले, एक दूसरे से बातें की, साथ में शराब पी, दिल की बातें शेयर की, ये जाने बगैर कि जिस लड़की के बारे में हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो असल में एक ही लड़की है, रोशनी, मेरी पत्नी। यश यार, यहां मात खा गए तो इस मामले में मैं तुमसे कई कई कदम आगे हूं। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन इस अजीब सी लाइफ को जिस मोड़ से मैं देख रहा हूं ना, वहां तुम और रोशनी एक दूसरे से बहुत दूर हो। ऐसा तुम्हें लगता है, क्योंकि रोशनी का क्या है ना यश, कि वो बहुत दूर से भी दिखाई देती हो, देखा, लेकिन वो रोशनी किसके घर की है ये सिर्फ घर वाला बता सकता है यश। यश, रोशनी मेरी जिंदगी है, मेरी पत्नी है, मेरा सब कुछ है, शी इज माई लाइफ। देखो यश, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम्हें इस वक्त अपने काम पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। तुम्हें समझाने के लिए, यूर अ गुड गाय, यू डिजर्व द बेस्ट, बट आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई ऑलरेडी हैव द बेस्ट। देखो यश, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, तुम्हें चले जाना चाहिए, अपने बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, एक ऐसी चीज पे वक्त जाया नहीं करना चाहिए जो तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। इट्स अ टिकट टू बैंकॉक यश, आई थिंक यू शुड गो होम। बहुत तेज भाग रहे हो तुम, इतनी जल्दी फैसला कर लिया? डर लग रहा है मेरे यहां रहने से। मेरे दोस्त, प्यार में जोर जबरदस्ती नहीं चलती, और जोर जबरदस्ती से आज तक कोई अपने प्यार को हासिल भी नहीं कर पाया। करेक्ट, लेकिन ये जोर मेरा नहीं है यश, ये जोर मेरे प्यार का है, और इस जोर को तुमने भी महसूस किया ही होगा। आफ्टर ऑल रोशनी के साथ कुछ वक्त तो तुमने भी बिताया है। अगर तेरे प्यार में इतना ही जोर है तो क्यों छोड़कर चली गई थी तुझे वो? बड़ा गुरूर है ना तुझे अपने प्यार पर? पिछले 6 महीने में एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश की उसने? सिद्धार्थ खुराना, तुमने रोशनी को दर्द और अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती, इसलिए उसे आगे बढ़ने दो और अर्चने मत पैदा करो उसकी जिंदगी। देखो यश, अगर ऐसा होता ना
तो रोशनी दौड़कर मुंबई नहीं चली आती जब उसको ये पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, जब उसको ये पता चला कि मैं मौत के मुंह में हूँ। उसका प्यार उसे यहाँ खींच कर लेके आया यश, मेरा प्यार उसे यहाँ खींच कर लेके आया। ये है मेरे प्यार का जोर। तो ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो देख लेते रोशनी किसके घर को रोशन कर। हार जाओगे यश, बुरी तरह हार जाओगे। रोशनी सिर्फ मेरा प्यार, मेरी जिंदगी नहीं, मेरी पत्नी भी है, एक हिंदुस्तानी लड़की है। और एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी चीज होती है, बशर्तन वो शादी धोखेबाजी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अब तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। देखते हैं यश, ये किसके प्यार में ज्यादा जोर है, एक पति के या फिर एक बचपन के दोस्त के। बेशक सिड, ये कोई छोटी गल नहीं है पुत्र। मान ले कि अगर ये यश भी रोशनी से प्यार करता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम। रोशनी है ही ऐसी, इतनी अच्छी है, इतनी गुणी है कि जो उससे एक बार मिले वो उससे प्यार के बिना नहीं रह सकता। शी इज लाइक दैट। यश की गलती नहीं, मुझे भी इंसान पर रखने की समझ है, वो एक अच्छा लड़का है और उसके दिल में रोशनी के लिए फीलिंग्स भी है, ये भी मैं जानता हूँ। और ऑनेस्टली मैं इस बात के लिए उससे खफा नहीं हूँ, मैं उसे जज नहीं करता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसे यहीं रुक जाना चाहिए, सिर्फ मेरे और रोशनी के लिए नहीं, उसके अपने लिए भी मतलब चोट खाएगा, भी मतलब दर्द का सामना करेगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि रोशनी मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है, उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो जब तक चाहे मुझसे नाराज रहे, खफा रहे, सीधे मुंह बात ना करे, लेकिन वो मेरी बीवी है डैड, वापस तो उसे मेरे पास ही आना है। भाई तू 100% मेरे ही पुत्र है। I don't care, वो कितने बिजी है। आप जाइए और उनसे कहिए कि रोशनी आई है और उन्हें सब कुछ छोड़कर आना ही पड़ेगा मेरे पास। रोशनी? वो रोशनी, मैं अभी बस बोल ही रहा था कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ यार। वैसे मियाँ बीवी की सोच कितनी मिलती है रोशनी। मैं अभी बस बोल ही रहा था कि मैं यार मेरा काम वाम मैंने तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता, और तुम भी यहाँ यही बोल रही थी काम वाम छोड़ के मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, तो सारा काम छोड़ के मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अच्छा सर्विस मिसेस कराना। इनफ सिद्धार्थ, चाहते क्या हो तुम? चाहते क्या हो? तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, जिंदगी बिताना चाहता हूं, सिंपल। इसमें पूछने वाली बात क्या? कब तक करोगे ये सब? कब तक सब लोगों के सामने मेरा मजाक बनाते रहोगे? मजाक? मैं कुछ समझा नहीं रोशनी, क्या हुआ है? वही जो हर बार होता है, तुम्हारी मॉम ने, तुम्हारी बहन ने और कृतिका ने मिलकर मेरी फैमिली को इंसल्ट किया है। क्या रोशनी पुत्र, ये क्या कह रही बेटा? खुश है पुत्र? पापा, राजवीर ने सैम के साथ बदतमीजी की और फिर मॉम और कृतिका के सामने उसी को ब्लेम कर दिया, उसी के लिए कह दिया कि वो राजवीर के साथ गलत तरीके से बहुत बुरा भला कहा गया उसे, और उसके बाद मेरी मॉम को गालियां दी गई। पापा आप समझ सकते हैं, प्लीज सिद्धार्थ को समझा दीजिए कि अगर ऐसे ही करेगा तो ये सिचुएशंस बार बार आएगी, इसलिए मेरा पीछा ना करें।
राजवीर ने ऐसा किया? देखो मेरी बात, देखो रोशनी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हुआ है। जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं ये सब कुछ सॉर्ट आउट करके अभी आता हूं। कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा सिद्धार्थ, मैं तुमसे यहां लड़ने नहीं आई, सिर्फ रिक्वेस्ट करने आई। प्लीज अंडरस्टैंड, हम दोनों अब कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। हमारा साथ सिर्फ हमारी फैमिलीज को हर्ट करेगा। पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ है, रिश्तों में जितनी भी दरारें आई हैं, वो अब कभी नहीं भर सकती। और अब भी कोई फ्यूचर नहीं है सिद्धार्थ, प्लीज समझ लो कि हम कभी एक नहीं हो सकते। जिस तरह तुम अपनी फैमिली पे जोर नहीं डाल सकते, उसी तरह मैं भी अपनी फैमिली को अपनी वजह से सफर करते हुए नहीं देख सकती। प्लीज अंडरस्टैंड सिद्धार्थ, हमारा अलग हो जाना ही बेटर है। हमारी फैमिलीज की भलाई भी इसी में। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आज मैं तुझे तेरी औकात बताता हूँ। सेठ, बार बार मेरी जिंदगी में जहर घोलने चला था यू। सेठ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? पता है ना ये कौन है? तेरी बहन के पति हैं वो। इस घर के जमाई हैं जिन पर तू हाथ उठा रहा है। नहीं मॉम, मैं इस घर के जमाई पर नहीं, एक जानवर पे हाथ उठा रहा हूँ। एक ऐसे इंसान पे हाथ उठा रहा हूँ जिसको ये भी नहीं पता कि औरतों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उन्हें ट्रीट करते हैं। अबे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई सैम पे गंदी नजर डालने की? वो अब तेरी पत्नी नहीं है, तेरी पत्नी कृतिका है। ऐसे घटिया लोगों के साथ ना डील करने का एक ही तरीका होता है मॉम, और वो ये है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया, उस लड़की ने फिर से आग भरा है तेरे अंदर। रोशनी ने तुझे ये सब कुछ बताया है ना? सिर्फ बोलता क्यों नहीं है? हाँ जी, रोशनी ने बताया। तो रोशनी यहां थी भी नहीं, तो उसने अपनी आंखों से ये सब कैसे देख लिया बता? सिर्फ क्या हो गया है तुझे? तू सबकी बातों पर विश्वास कैसे कर लेता है? और हाँ, अब अगर तुझे अपनी मां की आंखों देखी बात को झुठलाना है ना, तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी सिर्फ, लेकिन तुझे, रोशनी और अपनी मां के बीच में कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तय करना है सिर्फ। चलो क्या डैड, एक मसला खत्म होता नहीं, दूसरा खड़ा हो जाता। नहीं पुत्र, नहीं, दिल छोटा नहीं करते। भगवान जानता है कि सिमरन की आंखों से पट्टी कब हटेगी, पर सिर्फ रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता, ये तो तू जानते ही है ना। पर तूने रिश्तों को बहुत आसानी से निभाया है, अच्छे से निभाया है, आगे भी ऐसा करता रहे, और तू हमेशा कामयाब हुआ है, अब भी कामयाब होगा। तू सिर्फ रोशनी के बारे में सोच और कुछ मत सोच, सिर्फ रोशनी के बारे में। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो वो लड़की और उसकी काम नहीं,
यहाँ का हमारी नाक में दम कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो कृतिका, अब हमें कुछ करना होगा ताकि सिड और रोशनी एक दूसरे की जिंदगी में वापस ना सके। पर कैसे राजवीर, सिड को रोशनी के अलावा कुछ नजर भी तो नहीं आता है। मेरे पास एक प्लान, लेकिन उसके लिए उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी होगी। मंजूर है? Done.